तो कल्लो बाबा रुद्रनाथ जी के दर्शन, बोलो रुद्रनाथ बाबा की जय। ये वीडियो बहुत पीछे से लिया एकदम जूम करके, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में अभी वीडियो लेना एकदम अलाउ नहीं है। वो देखो बाबा लोग, वो दिख रहे हैं रुद्रनाथ जी। तो ये है सरस्वती कुंड लोग, रुद्रनाथ के रास्ते देखो यार। यह पनार बुग्याल पहाड़ होगा, ट्रैफिक जाम केदारनाथ बद्रीनाथ रोड पे। आप देखो वहाँ पे, देखो इतनी सी जगह है यहाँ पे गाड़ी निकलने के लिए। तो गुड मॉर्निंग बाबा लोग, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। जय हिंद। अभी आपका स्वागत हम कर रहे हैं एकदम रुद्रनाथ से। तो रुद्रनाथ में भी सुबह हो गई है, 5 बज रहे हैं। 4 बजे उठ के हमने मुँह हाथ धोया वगैरह वगैरह किया और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। वो मंदिर है वहाँ पे और अभी मौसम थोड़ा खुल रहा है। ये रुद्रनाथ का बुग्याल है। कैसा लगा आपको नाइट का स्टे? अच्छा था, नाइट से अच्छा था। फैसिलिटी अच्छी है, कंबल वगैरह सब गर्म, ठंडा वगैरह बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, बढ़िया था। बट यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप रुद्रनाथ आ रहे हो, रुक रहे हो, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक है, उसकी हालत इतनी बुरी है भाई। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर 200 रुपये फॉरेस्ट वाले ले रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। एटलीस्ट आप यार एक बेसिक टॉयलेट तो बना लो। चलो अभी मंदिर दिखाते हैं फिलहाल। तो लोग देखो, ये है रुद्रनाथ जी का मंदिर, आप देख रहे हो। अभी मंदिर के थोड़ा द्वार बंद है तो हम जा रहे हैं पीछे सरस्वती कुंड के दर्शन करने। छोटा सा हाइक है मंदिर के पीछे से ही, 200 मीटर का हाइक है। वो वहाँ पे सरस्वती कुंड है। तो ये रूट थोड़ा सा पतला है, यहाँ पे चप्पल चुप्पल मत आओ, जूते जाते पहन के आना। तो ये रूट है, ये देखो नीचे देखो क्या ब्यूटीफुल वैली लग रही है एकदम। अभी आगे चल रहे हैं, थोड़ी देर में सरस्वती कुंड आ जाएगा। तो यार लोग अभी हम पहुंच गए हैं सरस्वती कुंड और बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक तो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम ही हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ सरस्वती कुंड। थोड़ा थोड़ा मुझे आम का फल होता है जो उसकी शेप में लगता है, ये देखो। तो ये है सरस्वती कुंड, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ से अगर मौसम क्लियर होता तो इधर नंदा देवी वगैरह सब दिखता है यहाँ पे। देखो कर लो सरस्वती माता के दर्शन, यहाँ पे मंदिर भी है, बहुत ही सुंदर है यार, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ लोग देखो, ये उधर पे मंदिर है, अरे सरस्वती कुंड है। इधर पे भी पूरी नंदा देवी दिखती है, बट अभी आज मौसम ख़राब है तो नहीं दिख रही। तो अगर रुद्रनाथ आ रहे हो तो पीछे सरस्वती कुंड के दर्शन भी बस कर, मतलब जरूर करने चाहिए आपको। ये ऊपर लाल माटी जाते हैं, वो ऊपर पे लाल माटी है और यहीं से निकलता है नंदी कुंड मद महेश्वर का ट्रैक भी। तो ये है सरस्वती कुंड, अंतिम बार दर्शन करते हैं फिर निकलते हैं हम अपने गंतव्य की तरफ जो कि है सगर। तो आलो कल्लो बाबा रुद्रनाथ जी के दर्शन, बोलो बाबा रुद्रनाथ की जय। ये वीडियो बहुत पीछे से लिया है क्योंकि अभी मंदिर प्रांगण में वीडियो लेना अलाउड नहीं है। तो रुद्रनाथ जी पंच केदारों में चौथे केदार हैं और बहुत सुंदर वैली लग रही है यहाँ से। देखो रुद्रनाथ पर्वत देखो, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। वो देखो बाबा लोग, वो दिख रहे हैं रुद्रनाथ जी। अभी हम निकल गए वहाँ से, ऊपर लाल माटी है। तो लास्ट बार कल्लो बाबा रुद्रनाथ के दर्शन, बोलो बाबा रुद्रनाथ की जय। यहाँ से निकलेंगे हम, काफ़ी भीड़ दिख रहे हो आप। ये रूट है पूरा, अब निकलते हैं हम कहाँ की तरफ? सगर की तरफ, पहले लुटी फिर सगर। कैसा लगा दर्शन करके सुबह सुबह भी? बहुत बढ़िया, इजीली एकदम। तो लोग अभी हम निकल गए हैं रुद्रनाथ जी से वापस सगर की तरफ। और अभी रास्ते में देखो बहुत सुंदर है, पूरा बांस का जंगल जैसा है, उसके बीच से हमने जाना है। बहुत सुंदर रूट है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अमेजिंग, इट वाज गुड, स्टे बहुत अच्छा था। और मंदिर में थोड़ा तुमने सुबह सुबह लड़ाई करी पर मंदिर में थोड़ा फोटो वगैरह को लेके उनका एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको। हाँ। उनका ये कंसर्न है कि कोई भी फोटो ना खींचे, बट रेगुलरली फोटोज आ रही हैं सोशल मीडिया पे, तो या तो आप सभी का बंद करो या सभी को अलाउ करो। एग्जैक्टली, पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लो कि कहाँ पर रह के खिंचा सकते हैं, क्योंकि यार लोग दूर दूर से आते हैं, डेफिनेटली होता है सबको कि फोटो खिंचानी है। अब कोई बहुत दूर दूर से आएगा, उसको दर्शन कराने हैं, उसको यादगार के लिए ले आना है, तो क्या करेगा? हाँ, आप अभद्रता वाली जो वीडियोज है उनको आप बंद कर दो, उन पर आप स्ट्रिक्ट एक्शन भी लो, जुर्माना लगाओ, फाइन लगाओ। क्यों भाई? सही बात है, नाचना गोल गोल घूमना वो चीजें बंद करो। खैर छोड़ो, इसके मजे लो। बुरांस जबरदस्त सुंदर एकदम। अभी हम अत्यंत अद्भुत, अभी किधर? अभी हम जा रहे हैं पहले पितृधार टॉप, चढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही बस। हेलो रुद्रनाथ के रास्ते देखो यार, इतने सुंदर रास्ते किसी ट्रैक पे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों भाई? सही बात है, वो एक बहुत सुंदर। और जो आप विंडोज वॉल पेपर, फिर से बोल रहा हूँ मैं, देखते हो यहीं से लिए गए हैं, क्या सुंदर है देखो। वाह, ऐसा भी उधर पे वो पितृधार है, वहाँ तक चढ़ाई है बस, और उसके बाद फिर पूरा डाउन है। तो बस वहाँ तक की चढ़ाई अपन को करनी है, उसके बाद हम नीचे उतरेंगे फिर। तो यह भी आपको पनार दिखाएंगे, अगर पनार से मौसम थोड़ा साफ हो जाता है बहुत अच्छा व्यू आता है। भाई लोग, अभी हमने आज के दिन की आखिरी चढ़ाई चढ़ ली
वो देखो नीचे पंचगंगा, तो वहां से हम पूरा चढ़ते हुए आए हैं यहाँ पे। और अब पितरधार वो सामने है, तो चढ़ाई तो है नहीं, सीधा सीधा, बीच बीच में थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन है। और अभी धुआं लग रहा है यहाँ पे, कोई पीक्स नहीं दिख रही। यो बैड लक, नहीं यार ठीक है। तो अच्छा रहा ट्रैक, और काफी लोग भी मिले हैं सागर। फैंस, उस समय मेरे से वीडियो बनता नहीं है यार, आई एम वेरी शाई। शाही क्या भाई, हमसे तो जब बहुत सारे लोग होते तब भी कैमरा निकालने में बहुत आपत है। अभी तो हम तेज बोल रहे हैं, वहाँ पे तेज नहीं बोल पाते हम। तो अभी देखो पूरा बुरांस का जंगल जबरदस्त है, वो वहाँ पे पितरधार है, वहाँ से फिर हमें डाउन जाना, वहाँ से तो हम गोली बन जाएंगे। तो लोग अभी हम हैं हमारे ट्रक है इस पॉइंट पे, ये है पितरधार, करीबन 3800-3900 मीटर दिखा रहा है। अभी हम चेक करेंगे ढंग से। और पितरधार के इधर ये पूरा नवला पास है, नवला पास से नीचे जाते हैं अनुसुआ माता के लिए। वो नीचे पे दिख रहा है आपको, वहाँ पे अनुसुआ माता जी का मंदिर है और वो नीचे मंडल। तो आज पूरी वाली एकदम साफ दिख रही है, देखो एकदम लश ग्रीन। और यहाँ से जाना हमने अब सीधा सीधा नीचे डाउन जाना, आपको नहीं है ना, वो शिवलिंग जैसा लग रहा है पर्वत। बहुत सुंदर है वो, वहां देखा था नहीं, वो ओम पर्वत वाले में क्या नाम था, शेषनाग था, क्या था, शेषनाग, शेषनाग काइंड ऑफ हल्का हल्का। अरे वो फैला भी, फैला पंजनाग, फैला पंजनाग। वे लोग अभी हम पहुंच गए हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह पूरे रुद्रनाथ ट्रैक पे। तो इसको मैंने नाम दिया था द वर्ल्ड्स एंड, बिकॉज यहाँ देख रहे हो इसके नीचे पूरी खाई है, और वो ऊपर वहां से हम नीचे 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 जिगजैग करते हुए आए हैं। बहुत सुंदर सा बुग्याल है, और यहाँ से नीचे देखो ये है पूरा पनार बुग्याल, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट बुग्यालस ऑफ इंडियन हिमालयस, ये है पनार बुग्याल। क्या सुंदर लग रहा है अभी यार, और सुंदर लगता है, पीछे पीक्स दिखते हैं। बट आज थोड़ा किस्मत के मारे हैं हम कि मौसम जरा साफ नहीं हुआ। और अभी आप बज रहा है 8 पर, कैसा लग रहा है? सही हो गया आज तो, बहुत तगड़ा हमने कवर कर दिया है। पल्ला कह रहे कितने और दिन का 1 बज गया भाई, कहीं नहीं देखा मैंने 8 बजे सुबह कोहरा लगते हुए और इतने ऊपर सूरज कोहरा देखो बहुत जबरदस्त है यार। तो नीचे पूरा पनार देखो बहुत सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ से हम नीचे निकलेंगे पनार के बाद ल्यूटी, ल्यूटी में हम थोड़ा खाना पीना खाएंगे, फिर वहाँ से हम निकलेंगे। आई होप आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आ रहा होगा, बहुत ब्यूटीफुल व्यूज़ है यहाँ पे। तो आप भी आओ रुद्रनाथ ट्रैक एंड बुक योर ट्रैक विथ पीक एडवेंचर्स। तो लोग आपने गाड़ियों का ट्रैफिक जाम तो बहुत देखा होगा, अब देखो हमारे पहाड़ पे कैसा ट्रैफिक जाम लगता है। यहाँ देखो पहाड़ों का ट्रैफिक जाम, और ये सबसे सुंदर ट्रैफिक जाम है यार, क्या मस्त लग रहे हैं देखो। और लाइन आए जा रही है, ज़बरदस्त लग रहा है। पहले रुद्रनाथ में आते समय आपको पनार के ठीक ऊपर पे ये ब्यूटीफुल क्रिएचर दिखेगा, और जब भी मैं इसे देखता हूँ हमेशा मैं स्टंड हो जाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नेचुरली आर्क्ड एक रॉक यहाँ पे कटा हुआ है, और यहाँ पे पूछते भी हैं इस रॉक को, नीचे पूरा पनार बुग्याल दिख रहा है देखो, बहुत ही सुंदर। इसको मिस मत करना, यहाँ पे जरूर रुकना आप। तो लोग देखो पनार बुग्याल की ब्यूटी, इससे सुंदर बुग्याल बहुत कम होंगे, ये यही सबसे सुंदर होगा, बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे। पहले यहाँ पे भी कैंपिंग अलाउड होती थी, अब बंद कर दी और यहाँ पे ऐसी बैरिकेडिंग लगा दी बुग्याल के लिए। सो अभी अभिजीत भैया के कुछ फैंस मिले हैं, केदारवासी जी के फैंस, उनके साथ फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मोमेंट है, क्योंकि वो बहुत नॉलेज बांटते हैं इंस्टाग्राम पे, तो लोग उनको जेन्युइनली बहुत फॉलो करते हैं। हमारे उत्तराखंड का कल्चर सब कुछ दिखाते हैं, हमारे पहाड़ों के बारे में, ट्रैकिंग, मंदिरों के बारे में ज्ञान देते हैं, तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं उनसे, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे देख के। सभी देखो कितने मस्त खुश लग रहे हैं फैंस, जो लोग उनको एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं। हमें मिल गए ऑडियंस, आपको बहुत ज्यादा प्यार दे मेरी यही आपसे विनती है, सब्सक्राइब करो फटाफट। और भाई को प्यार जो लोग ट्रैक करना चाहते हैं ना, उनको क्या एक मतलब कोई एडवाइस हो गया? थोड़ा सा लाइन में आ जाइए, वो कोई हाइड हो रहे ना। हाँ यस, यस। भाई साहब आप इधर आ जाइए। अरे 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 स्वैग, थैंक यू। तो भाई लोग अभी हम पहुंच गए हैं पोंग बुग्याल, ऊपर रुद्रनाथ से हम निकले थे 6:30 बजे के करीबन, अभी हो रहा 11:30 के लगभग, 5 घंटे में आ तो गए। बीच में नाश्ता पानी भी किया ही था, वो मुँह हाथ बहुत अपने काम को निपटा के, तो तब हम पहुंच गए यहाँ पे। पीछे आप हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी रहोगे। तो देखो वो पूरा का पूरा डिसेंड मारना है ऐसे करके सीधा नीचे, और चलते हुए भी पूरा का पूरा ऊपर जाना है, तो टफ है तो है, उधर जाना जहाँ धुंध लगी हुई।
वहां से करीबन जहां पे वो हल्का सा आपको सफेद सफेद दिख रहा होगा पैच, वहां से और सीधा नीचे आए हम यहाँ पे 15-20 मिनट में। पता नहीं क्या हुआ लास्ट में, हमें थोड़ा तेज हो गया था, देवता जैसा आ गया था, नहीं देवता आ गया था लास्ट में। अब यहाँ से मात्र 3.5-4 किलोमीटर रह गया है और हम जाएंगे सीधा अब नीचे सगर, फिर सगर से निकलेंगे चोपता के लिए। हेलो, पुंग से हम निकले, इतनी भयानक गर्मी हो गई, आप देख सकते हो पसीने से लथपथ हो गए, अचानक से ही गर्मी हुई है पुंग के बाद। तो फिलहाल हम फाइनली पहुंच गए हैं सगर विलेज। तो हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया है बाबा रुद्रनाथ का। हाउ इज द फीलिंग ब्रदर? अमेजिंग, फाइनली वी डन रुद्रनाथ ट्रेल, द रुद्रनाथ ट्रैक महादेव। एंड हाउ इज द हीट इन द लास्ट पैच? पता नहीं क्या हो गया यार, मौसम चेंज हो गया, अभी तक एसी में थे यार, चेंज गर्मी में आ गए, भयानक भाई। तो भाई अभी हम चोपता पहुंच गए हैं और चोपता में इतना भयानक जाम है, देखो यहाँ से लेके पूरा का पूरा, वो देखो वहाँ से पूरी नीचे रोड और यहाँ नीचे तक जाम ही जाम है। तो केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पे सबसे ज़्यादा जाम लग रहा है। अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो आप ये चीज़ें देख के, और बहुत पतली रोड है, अगर आपको चलानी आती है आप तभी आओ, पहाड़ों में अगर एक्सपीरियंस है तो, अदरवाइज़ ये रूट अवॉइड करो यार, देखो बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। मैंने जाम की स्थिति देखो, ये है रोड, इस पे चला रहा है सागर, एक पैर उधर रख के भाई गिर गया था अभी मत करना भाई, अभी गिरते गिरते बचा भगवान के समय नीचे, अभी तुमने देखा ही होगा इन्होंने बिल्कुल रोड नहीं छोड़ रखी। ये है इतना भयानक जाम लगा है ये केदारनाथ बद्रीनाथ रोड पे, आप देखो वहाँ पे देखो इतनी सी जगह है यहाँ पे गाड़ी निकलने के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा है यार। आराम से आगे पे एकदम ढलान है सागर, बहुत मुश्किल हो रहा है भाई लोग, बहुत ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल ही हो। देखो देखो कहीं पे भी गेट खोल दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा है, ये देखो फिर जा रहा है इधर। तो हेलो, फाइनली अभी हम पहुंच गए ताला, ताला में हम रुकेंगे स्मॉल टाउन स्टेशन जो कि गौरव घनसेला जी का है वहीं पे, वो आपको मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा। बट कैसा रहा भाई आज का जाम? भाई साहब पूरा केदारनाथ का जाम ढूंढते हुए, और तुंगनाथ में इतना लंबा जाम, बारिश अलग, भीग गया, खतरनाक हालत खराब। आपने देखा होगा कितनी पतली जगह से हमने बाइक निकाली और कुछ एक्सीडेंट होते हुए बचे हमारे, पर बाबा रुद्रनाथ और तुंगनाथ हमारे साथ थे तो हो गया। तो ये था कब आज का ब्लॉग, अभी थकान भी लगी। तो तीन गाड़ियां हमें ठोकते ठोकते गई वो भाई, क्या चलते हैं भाई वो उस रोड में, थोड़ा कभी भी आप उस रोड में जाओ तो आराम से चलना, मतलब ठोक ही दिया, मतलब ऑलमोस्ट एक ही बार धड़ता। तो बच गए थे हम उससे, अभी बस इतना ही हो पाएगा, थकान लग रही है। ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, और चैनल पे जो जो नया प्लीज सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अब तक जय हिंद जय केदार।